गृह शांति की पूजा? हाँ, कई दिनों से कराई नहीं है ना, इसलिए मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि पूजा में गौ माता के ताजे गोबर के 100 दिए और 100 उपले बनाने होंगे और वही पूजा में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। और उचिता, ये दिए और उपले तुम्हें ही बनाने होंगे, क्योंकि ये काम कुंवारी कन्या या नई बहू के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जी दादी जी, मैं कर लूंगी। दादी, अगर कुंवारी कन्या ये बना सकती है तो मैं रुचिता की हेल्प कर दूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा रुचिता, इसी बहाने तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। रुचिता, तुम अकेले नहीं बना पाओगी, तुम दिए बना लो और अमृता उपले बना लेगी। जी। जैसा आप कहें दादी। ये तो बहुत अच्छी बात है अमृता, कि तुम रुचिता की मदद करने के लिए सामने से आगे आई। पर उपले बनाने के लिए गौ माता का गोबर कहाँ से आएगा? गौशाला में मिल जाएगा पापा जी। हाँ बेटा, ये सही कहा तुमने, लेकिन आसपास कहीं गौशाला है पता कैसे लगाएंगे? मैं देखती हूँ ना ऑनलाइन मैप में। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही एक गौशाला है। वाह वाह, इसे कहते हैं आज की लड़की, जितनी संस्कारी उतनी ही मॉडर्न, है ना नरेश बेटा? चलिए माँ, मैं चलता हूँ, शाम को पूजा पे मिलते हैं। चल ठीक है, तो चलो हम भी गौशाला चलते हैं। रुचिता, तुम्हें ये गोबर देख के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं भाभी, और वैसे भी हमारे शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से ना गोबर को बहुत शुभ माना जाता है, तो इसमें मुंह क्यों बनाना? और पता है, जब बचपन में दादी के गांव जाते थे ना हम लोग, तो वहाँ पे गोबर से पूरा घर लीपा जाता था। ऑफ कोर्स, तुम तो हो ही गाँव की ना, तो तुम्हें तो ये देहाती चीजों की आदत होगी। और वैसे अमृता, यही देहाती चीजें ना तुम्हारे हर्बल शैम्पू और बॉडी वॉश वगैरह में भी यूज होती है। क्या अमृता, अगर गॉसिप हो गई हो तो जल्दी से गोबर उठाओ, देर हो रही है। गोबर उठाने के लिए हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। रंग रूप के साथ साथ दिमाग की भी तेज है अमृता। इस रुचिता की बच्ची को तो सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत जुबान चल रही है ना इसकी। रितु, वो जो पूजा की बाकी लिस्ट है वो जरा बताओ, वो सब भी लेते हुए चलना है। क्या क्या है? हाँ माँ, वो इसमें ही है, नारियल, सुपारी, लाल फूल, गंगा जल।
उठो आराम से। अमृता कहाँ तुम उस गोबर को हाथ भी नहीं लगा रही थी और कहाँ तुम उसने पूरा नहा ली? अमृता तुम जाओ, मैं उपलो के लिए गोबर लेके आती। गोबर तो तुम ले आओगी रुचिता, पर मैं तुम्हें दिए बनाने नहीं दूंगी। रुचिता चेंज करने गई है, जब तक वो वापस आती है मैं अपना काम कर देती हूँ। अब जब ये छोटे छोटे कांटे रुचिता को चुभेंगे ना तो 100 क्या, एक भी दिया नहीं बना पाएगी। क्या हुआ रुचिता, चीखी क्यों? पता नहीं माया, ऐसा लगा कि कुछ छुपा। पर गोबर तो तुमने अपने हाथ से उठाया था ना? फिर कभी कभी भूसे के कण भी चुभ जाते हैं। तुम तो गोबर को हाथ लगाती चिल्लाने लगी, फिर दिए कैसे बनाओगी? मैं बना लूंगी दादी जी, आप टेंशन मत लीजिए। जितना दर्द तुम्हें अभी हो रहा है ना रुचिता, उससे कई ज्यादा दर्द देने वाली हूं मैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम निहार को छोड़ दो। सांस लेना कोई कैसे भूल सकता है अमृता? निहार के साथ तुम बिल्कुल सूट नहीं करती। उस दिन पार्टी में भी सबको यही लग रहा था कि मैं उसकी पत्नी हूं।
काश सूट करने से अगर रिश्ते बनते, पर अफसोस रिश्ते किस्मत और दिल से बनते हैं अमृता। तुम्हें निहार जी अपने जिंदगी में क्या, निहार जी तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा भी नहीं मानते। फोटो सेशन वाले दिन निहार जी ने ये साफ शब्दों में कहा था, इसलिए बेहतर है कि तुम ये सब छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ो अमृता, वरना कहीं धोबी के कुत्ते वाली हालत ना हो जाए तुम्हारी, ना घर की ना घाट की। हेलो, ठीक है मैं आई। ठीक है, निहार तुम वो मैंने खाना मंगवाया था। थैंक यू भैया, आप जाइए। रेडीमेड उपलों से मैं सबका दिल तो जीत लूंगी, लेकिन रुचिता को भी सबकी नजरों में गिराना पड़ेगा। रुचिता, हाँ, मेरे वो ब्लैक वाले एयरपॉड्स और फाइल लेना। हाँ। ये लीजिए। क्या हुआ? वो दिए बनाते वक्त कुछ चुभ गया है शायद। दिखाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी सारी चोटें आई है और तुमने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट एड बॉक्स का है? निहार जी, वो पूजा का ना और काम बचा है, वो करने के बाद मैं खुद दवाई लगा लूंगी। ये बन गए हैं तो बाकी काम दवाई लगाकर भी कर सकते हैं। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। जो करना है करो, कम से कम इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं होगा ना। थैंक यू निहार जी, ध्यान रखो। ये दिए तो तुमने बना लिए रुचिता, लेकिन मैं इन्हें सूखने नहीं दूंगी। खाटू श्याम जी, आशीर्वाद दीजिए कि आज की पूजा मैं अच्छे से कर पाऊं।
गाय के लिए चारा रोटी ले आओ, कोई गाय के लिए चारा रोटी ले आओ। गौ माता की रोटी रखी है, वो दे के आती। कोई गाय के लिए चारा रोटी ले आओ। सुबह से गाय गोबर चारा यही सब चल रहा है। ये पोस्टर कहाँ से आया? ये दिए तो मैं ही तोड़ के रहूंगी। गॉड, ये पोस्टर क्यों नहीं हट रहा? ये क्या, उपले तो भीग गए। ये नल किसने खुला छोड़ दिया? मेरे फेस पे पोस्टर आ गया था ना, तो शायद मुझसे ही खुल गया होगा। लेकिन ये उपले तो गीले हो गए, अब पूजा कैसे होगी? पापा जी, वो दियो से कुछ गोबर बच गया था ना, तो मैंने उपले भी बना दिए थे। छत पर सूख रहे हैं, मैं वो ले आती हूँ। पहले मैं ये दे आती हूँ, फिर उपले ले आती हूँ। ठीक है बेटा। निहार, ऐसे कैसे जा रहा है बेटा? अमृता ने इतने चाव से पकौड़े बनाए हैं, खा के जाओ। नहीं मॉम, चीले बहुत टेस्टी थे और हैवी भी, तो मेरा पेट भर गया। कल रुचिता की वजह से पूजा बड़ी अच्छे से हो गई। उसने अगर उपले नहीं बनाए होते तो पता नहीं क्या होता। मैंने सबके लिए ओट्स के पकौड़े बनाए हैं। निहार की फेवरेट है, इससे पहले उसे दे दिए।
सबके सामने तो तुम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते निहार, अब तो तुम्हें ही खाना ही पड़ेगा। सुनिए, किचन में ना बहुत कॉकरोचेस हो गए हैं और शाम के वक्त मच्छर भी बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने ना पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया है। थोड़ी देर के लिए हम सबको घर से बाहर जाना होगा। ठीक है, तो आज आप सब लोग ऑफिस में चले जाओ, क्योंकि आज ऑफिस में छुट्टी है तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। लेकिन सब कैसे जा सकते हैं जी, खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए किसी ना किसी को तो रहना होगा ना घर में। मैं रुक जाऊंगी माँ, अच्छे से पेस्ट कंट्रोल करवा के और खिड़की दरवाजे बंद करके ऑफिस आ जाऊंगी। पापा, मेरे एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं चलता हूँ। निहार, ऐसे कैसे जा रहा है बेटा? अमृता ने इतने चाव से पकौड़े बनाए हैं, खा के जाओ। नहीं मॉम, चीले बहुत टेस्टी थे और हैवी भी, तो मेरा पेट भर गया। रुचिता, ऋतु, जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो और ये सब खाने का सामान अंदर रख दो। पेस्ट कंट्रोल वाला आता ही होगा, फिर हमें ऑफिस के लिए भी निकलना है। जी। निहार ने जैसे आज मेरे पकौड़ों को अलग किया है रुचिता, वैसे ही बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से अलग करूंगी।